आजमगढ़ की ग्राम सभा सोनवारा में ग्राम प्रधानपति सुशाहिम भाई की आवास पर उनके द्वारा अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर अरसद हिंदुस्तानी को सम्मानित किया गया और आगे भी इससे जुड़ी रहने की बात कही। बलिया से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा 1200 किलोमीटर पूरा करने के उपरांत 18 सदस्यीय टीम राधेश्याम यादव के नेतृत्व में शिक्षा एक समान हो की मांग दिल्ली तक जाते हुए रास्ते में हर जिलाधिकारी को संबंधित शिक्षा समान का पत्रक देते हुए दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, समान शिक्षा की मांग का पत्रक दिया था। इस अवसर पर असलम हफीज, गुफरान अहमद, बबलू, वाहिद भाई बीडीसी, रंगीला जी, लक्ष्मण बीडीसी, मोहम्मद सैफ, सुनील कुमार, सिराज, आमिर, बेटर इंडिया सभी लोग। साथियों, आज हम आजमगढ़ की धरती पर हैं और आजमगढ़ के ग्राम सभा सोनवारा में ग्राम प्रधान जनाब साहिम भाई के आवास पर हैं, जहां पर तमाम साथी यहां मौजूद हैं। गुफरान अहमद और बबलू भाई हैं, ये वाहिद भाई जो कि बीडीसी सदस्य हैं और समाज सेवी भी हैं, रंगीला भैया ये हमारे सामने हैं, और आपके लक्ष्मण कुमार जो कि बीडीसी हैं और सुनील कुमार जी जो भी हैं यहाँ पे, तो सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान जनाब साहिम भाई को कि जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, शिक्षा एक समान तिरंगा जो कि राधेश्याम यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निकले थे जेपी नगर बलिया सिटाप देरा से चलकर दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर शिक्षा एक समान का हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कि जिस तरह से सांसद विधायक के बच्चों को शिक्षा मिलती है, चाहे वो किसी भी पार्टी दल के हैं, उस तरह की शिक्षा वोट देने वाले गरीब मजदूर के बच्चों को मिले। तो हम सबसे पहले ग्राम सभा के प्रधान सुनवारा के बड़े भाई साहिम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने ग्राम सभा में बहुत सारे विकास कराया, चाहे वो खड़ंजा से लेकर बिजली से लेकर गली गली को गुलजार किया है। सबसे बड़ा इन्होंने सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको खूबसूरत बनाया है, उसमें जो है टाइल्स वगैरह लगाया है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं शिक्षा का मंदिर खूबसूरत हो और गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो हम शायर हैं दोस्तों, शायरी और नज्म के जरिए जन जन तक बात पहुँचाते हैं, तो मैं चाहता हूँ अपनी एक नज्म के जरिए अपनी बात रखो सुनवारा के इस ग्राम सभा के प्रधान की इस आवाज से। जी सर। कि सबसे ऊंचा कैसे ना हो।